छोले बाकी खुद का बना हुआ है भाई। दाल अभी बच गई, देखो छोले खाते हैं, छोले छोले के साथ परौंठी। हमें खड़े मसाले नहीं थे पर गरम मसाले तो डले हुए इसके अंदर पूरे छोले के पीस के डले हुए। तो जी कर लेते हैं नाश्ता, मिलते हैं इसके बाद आपको। अचार डालते हुए ये धूप में रखे हुए हमने, यहाँ शिफ्ट कर दिया, हमने कहा धूप लग रही है अपना इसे तो थोड़ा और सूख जाए। 4:30 होने वाले हैं और नहा धो के हो गए हैं जी हम रेडी। अब फाइनली हम कर रहे हैं 4 का काम भाई। आप भी कहोगे तो रात से भूल ही जा रहे कर रहे नहीं अब फाइनली भाई कर रहे हैं। मैं कहा ना दो के पाई है चार जरा हैं सूख गए हैं, ठीक हो गए हैं, कोई नहीं थोड़ी बहुत। बाकी हमने एसी चला दिया है, पंखा कर देते हैं जी बंद ताकि फिर अपना वो ना आए, मतलब जैसे मिर्च मसाले ना उड़े ना, इसलिए हमने एसी ऑन कर दिया। हमने ना एक एक कटोरी ले ली है सौंफ और मेथरे, ये वाली कटोरी थी, ये वाला नाप था कटोरी का, तो ये मिक्स कर दिया हमने क्योंकि माता ने साफ करे थे ना, चुने थे, मतलब कि वैसे तो साफ ही थे, कोई ऐसा निकला नहीं गंद वगैरह। लो जी ये हो गए मेथरे और सौंफ, और जाएगी जी इसके अंदर कलौंजी, सरसों का तेल, नमक पड़ जाएगा, लाल मिर्च पड़ जाएगी। तो पहले लेकिन इसे पीस लें, ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे, अपना सौंफ और मेथरे दिखा देते हैं आपको। इधर आ गया ये मिक्सी का जार, वैसे तो छोटे वाले में भी मैं कर लेता जार में, बट उसमें ना जैसे प्याज टमाटर पीसते रहते हैं ना, फिर कभी अगर जैसे ठाकुर जी को भोग लगाना हो तो ये वाला जार बिल्कुल साफ है, धुला हुआ है ये वाला ना, तो इसमें डालते हैं फिर हम। लो गाइस ये इतना करा है हमने दादर, जिसे कहते हैं दादर, ज्यादा पाउडर नहीं बनाना इसका, चार में पाउडर थोड़ी डालने के, ठीक है ना, बढ़िया हो गई है। अब क्या डालने पहले, लो जी पहले जाएगा इसमें सरों का तेल, मुझे बता देना कितना जाएगा जी, बस कुछ इतना गया है पहले सरसों का तेल। अब जाएगा जी सौंफ और मेथरे, इन्हें फ्रेंगे है ना, क्योंकि ये ज्यादा नहीं है गाइस, बस 2-3 किलो होंगी, ये ज्यादा नहीं है। अब मिर्चे बताओ जी, अब 2 चम्मच जाएगी लाल मिर्च, 1 चम्मच गई, और ये गाइस ये जाएगी जी अब देगी मिर्च बढ़िया कलर लाने के लिए। अब जा रही है इसमें हल्दी 2-2.5 चम्मच, ये दूसरा, और ये अद्धा। अब जी मेन चीज तो रह गई नमक, नमक तो डाल लें, तो जी 1 कटोरी जाएगा नमक, बस 1 से हल्का सा थोड़ा और डाल देंगे। नमक भी डल चुका है और कलौंजी भी डाल दी हमने थोड़ी सी, अब डालेंगे इसमें अंब, थोड़ा सा तेल वो डाल देते हैं, बस चलो काफी डल गया तेल तो, खैर लो जी पाओ इधर ले आई है, पाओ जी। जय माता दी, जय राधे श्याम, हरी बोल, जय बंसी वाले जी। बढ़ लेते हैं हम इसे पूरा जितना भरा जाता है। तो लो गाइस भगवान की कृपा से चार डल चुका है जी, फर्स्ट क्लास मिक्स कर दिया अपना बढ़िया, और इधर ये थोड़ा सा भाई बच गया था तो अपने अलग डब्बे में नमक और हल्दी डाल के और सरसों का तेल डाल के तो इसे रख दिया। होप सो ये यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि नमक डाला हुआ है ना पानी छोड़ेगा तो ये श्लिंक हो जाएगा, तो इतना सा हो जाएगा ये फिर, और ये भी ऑब्वियसली बात है नीचे होगा, तो हम फिर इसमें मिक्स कर देंगे। तो अब इसमें भी एक्स्ट्रा जो बाद में तेल डलता है वो डलता है तीसरे दिन, एम आई राइट मॉम मैया, तीसरे दिन डलेगा ना, ठीक है जी। आज जैसे पहला दिन हो गया, कल परसों डलेगा इसमें फिर सरसों का तेल, और जंग पैन लगी सी हल्ले हुश चोनी, हाँ जंग पैने वाली थी बस अभी वहाँ पे कुत्ते आ गए उधर से, नहीं डर गए सी, हाँ साडा कल्ला शेर ही काफी है, शेर का कले कले मुंह तो भी निकल जाते, मार खा के आ जाते, उदन खा के आया सी, ऐ वेखो ऐ दी चोट इसके, वाह जी वाह जाल लग गया है, मुबारक बहुत बहुत शेर सिंह जी नू, हाँ वधिया हो गया, वधिया ज्यादा गैप नहीं था, मतलब ठीक है सही है बढ़िया, अपना पुट्टी भी होगी है, पुट्टी का हमने दिखाया नहीं, पुट्टी काफी टाइम हो गया, मतलब महीना को हो गया है ना पुट्टी हुए, हाँ महीना वही मैं कह रहा 20-25 दिन तो हो गए, सारी होगी पुट्टी, सिंगल कोट हो गया, चलो बढ़िया अपना हो गया। अचार वगैरह भी डल गया, शेरू जी का वो जाल भी देख लिया हमने गेट के जो ऊपर, आपको भी दिखा दिया, हाँ बढ़िया लग रहा वो स्टील का है। और अब पी जा रही है जी चाय, साथ में आ गई जी ब्रेड पकौड़े साड़ नगर के, बहुत टेस्टी होते हैं भाई, लाजवाब फीलिंग देखो आलू की जबरदस्त, साली ऊंची ऊंची दुकानों में यहाँ फीलिंग नहीं मिलती अंदर ब्रेड के पकौड़ों में, लेकिन जो नॉर्मल सादी दुकान है
उनके पकोड़े देखो भाई, बढ़िया आलू से भरे हुए, सही बात। और ये आलू की टिक्की भी है, ये शेयरिंग हो गई हम सब में, मतलब लो पहले पकोड़ा, बहुत टेस्टी भाई, मेरा आलू आलू है बढ़िया। दो मिनट, काव्या जी आई हैं, लो फ्रेंडशिप बैंड हमारा कहाँ है, करी चेतन भैया और आपका ना एक ही हो गया दो और बड़े लिया मेरी बेस्टी कराओगे। अरे ये ले, मैं नहीं पहनता बाबू, रे मैं ये मेरी तरफ से तुझे हाथ कर, ये ले वैसे, हाँ ये लो जी, लो जी ठीक है, हाँ जी ए स्पेशल साडे लिए अज पापड़िया ली आई जे कुड़ी साडी, बहुत बढ़िया फुले फुले लाई है पापड़िया, है पापड़ी नहीं है तो गोलगप्पे हो गए फुले वे, तो इसने तो नहीं फुलाया, ये तो मासी ने बनाया, ये तो क्रेडिट क्रेडिट खा जावे ये तो बीच में कि मैं लाई लाई तू है, पर बनाए तो मासी ने ना, दादी ने तेरी शक्ल दिखाई इधर ऊपर मुंह करके, हाँ तो मासी हम आपको टेस्ट करके बताएंगे, ऐसी खा लेते हैं कोई नहीं, अभी एक आती ऐसी टेस्ट कर लेते हैं, वाह जी वाह, सारे सारे फूले फूले हैं, लो जी ये खाते हैं, हाँ हाँ मुलायम, चलो माथा भी बढ़िया बने, बहुत बढ़िया है ना, बढ़िया है ना, मैंने दो पैक कर दिए, ओके बहुत बढ़िया बने, तीनों ने कहा आज मैं भी टेस्ट करवा के आऊंगी, हाँ मेरी इज्जत का भाजी पालना ना हो जाए, इज्जत का पाली कह रही, मुझे ना भूख लग रही, मैं पापड़ी खा ली इसमें से, ना ऐसे नहीं चीटिंग करना है, अपनी घर खाओ अपनी अलग, ये हमारे लिए है तो इसमें से चीटिंग नहीं करनी है, क्या कह रही, कह रही जब मैं साइकिल पे आ रही थी ना तो मैं एक खा के आई हूँ, बताओ भाई मस्ती है, तो चीजें फाड़ी मार रही, हमारे तक पूरे गोलगप्पे नहीं आए, आप बीच में तो ये एक आधा फाड़ी मार के खा के आई है, अच्छा ठीक है, चल अच्छा ठीक है, वो तो अलग थे ना वहाँ, इसमें से भी खाए थे रस्ते में, बड़ी चला गए, तो गाइस 7:30 हो चुके हैं और अब हम बना रहे हैं जी लौकी के कोफ्ते, ये जी लौकी हमने कर दी कद्दूकस, अब इसमें मिक्स करते हैं जी बेसन, वैसे तो हमारा डिनर है चाची के घर, उस्मान के बर्थडे की पार्टी है आज, लेकिन सब्जी हमें सुबह काम आ जाएगी, ये गया बेसन, इसके अंदर डालेंगे हम जीरा लाल मिर्च हल्दी सूखा धनिया और नमक, तो जी अब मिक्स कर लेते हैं और कर लेते हैं बैटर तैयार, बैटर तैयार भी हो गया और हमने कोफ्ते पटक भी दिए हैं इसमें तेल में गरम गरम खोलते हुए, रेडी हो रहे हैं कोफ्ते, अब पराग हम निकाल चुके हैं, थोड़े से अभी और बनेंगे, ये पकोड़े सब बढ़िया सेट हो चुके हैं, इधर जी प्यूरी तैयार कर ली हमने टमाटर लहसुन अदरक और हरी मिर्च की, और इधर जी तड़के की तैयारी है, लहसुन जीरा और हींग हम भुन चुके हैं, अब डालते हैं इसके अंदर प्यूरी, अब सेम मसाले जाएंगे जो हमने पकोड़े में डाले थे, नमक हल्दी लाल मिर्च, तो जी अब इसमें जाएंगे मसाले, नमक हल्दी लाल मिर्च सूखा धनिया और काली मिर्च, और अब इसे भुन लेते हैं, तड़का कर लेते हैं तैयार इसका, 9 बज चुके हैं और तड़का अपना फर्स्ट क्लास तैयार, लो जी अब इसमें ऐड करते हैं जी वाटर, बॉयल्ड आ चुका है एक, इसे ग्रेवी अपनी हो चुकी है तैयार, और ना मैंने पतली पतली रखी है तरी, क्योंकि बाद में ना कोफ्ते सारी तरी चूस जाते हैं, इसलिए मैंने बढ़ा दिया आज, और देखो रोगन कैसा आ गया सरसों के तेल में, आज फुली प्रिपेयर्ड पकौड़े भी और अपना तड़का भी उसी में लगा सरसों के तेल में, लो जी ये गए कोफ्ते, ये जी कसूरी मेथी, लो जी मिक्स कर देते हैं, 5 मिनट और पका लेते हैं फिर कर देते हैं इसे बंद, तो लो गाइस सब्जी है तैयार, तो जी हम चलते हैं चाची है घर, सब्जी खाएंगे जी सुबह, चाची घर आ गए और चाचा पूरा जॉगिंग करके आया लग रहा है, स्पोर्ट्स शूज निकल, बर्थडे गर्ल आ गई, काहे बर्थडे गर्ल कपड़ों में लगे, अच्छा अच्छा कपड़े सांभ रही है, काय वजन वाली मशीन में दोबारा नाप के देखे कहीं साला बड़ी ना गया आज, बहुत दिन से खाया जा रहा है, देखिए भाई अच्छा, ओहो ना जी ना, ये तो 85 से भी एक कम हो गया ना, है ना, लो देखो हाँ है ना, 4 किलो कम, तू भी हो बाबे, ओ ले तू तो जूम ही हो गया, हेलो गाइस वर्टिकल इज हियर, हैप्पी बर्थडे टू टू, तू कौन सा यहाँ थी वैसे भी, सही बात है नहीं, चाची ने पूरी डाइट का वो रखते हुए सांभर इडली बनाया है, ये तो स्नैक्स है भाई, ये तो चलता है थोड़ा बहुत, तो फ्राइड इडली, ये अपना सिंपल इडली होगी सांबर के साथ खाने वाली, सांबर एरी, वाह जी वाह,
चेतन की अलग है सांबर। चाचा कह रहा स्प्रिंग रोल के साथ दही रखी थी, म्योनिस दही आ गई। दही चटनी टेस्ट चटनी दसू लाल वाली। इडली ट्राई कर लो, फ्राइड इडली बड़ी सॉफ्ट बनी इडली। कई रीति है कहते हैं इडली बहुत सॉफ्ट बनी आज बढ़िया। हाँ वो फ्राइड ही खाता है सिर्फ, वो सांभर साथ नहीं खाता। वही अब सांभर इडली, इडली ऐसी देखो सॉफ्ट गाइज इडली तो नहीं मक्खन है मलाई एकदम। हाँ मुस्कान ने बनाई है, ये क्रेडिट ले रही है चाची का, सब कुछ मुस्कान ने, मुस्कान बहुत अच्छा बनाया है। चाची देख रही है मजाक अच्छा था। भाई अंदर चला, 2 सेकंड लगे ऐसी घुल गई मुंह में इडली, बहुत टेस्टी बनी हुई लाजवाब। तो गाइस चाची के घर से हम आ चुके हैं, अब टाइम हो रहा है जी 11:15। हाँ माता कैसी बनी फिर सांभर इडली? हैं चाची ने बनाई बढ़िया एकदम, बढ़िया बनी ना लाजवाब। बाकी इडली तो ऐसी थी, बाकी यार मुंह में गई और घुल गई ऐसी थी, मज़ा आ गया वही खा के। तो कर देते हैं वीडियो को फिर एंड, मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, जो चैनल बढ़िया हो चैनल सब्सक्राइब कर दे। फ्री है, बाय बाय, राम राम।